हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, वो है छोटी स्लीव से 3 इंच की जो स्लीव्स होती है ना, उसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड पेपर ले लिया है और उसी के साथ में यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे जो इंची टेप मैं रख करके मार्किंग कर रही हूँ, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीव्स की कटिंग और साथ ही प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको जो स्लीव्स की कटिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली है ना, वो 3.5 इंच ली है। उसके बाद हम ऊपर से क्या करेंगे ना, 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो तो 3 इंच ही है। तो आर्म होल के लिए जो हम करेंगे ऊपर से 2 इंच पे दे करके, और यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देने वाले हैं। तो आर्म होल की मतलब आर्म होल के लिए जो मार्किंग हमें करनी है, तो आर्म होल के लिए मार्किंग जो हमें करनी है, तो यहाँ पे पहले मैं 28 चेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ, और ये भी बताऊँगी कि इसी चेस्ट से कि स्लिप से को आप 30 या 32 ब्लाउज के लिए कैसे आप वहाँ पर प्रिपेयर करेंगे उसकी स्लिप्स की कटिंग। तो यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ, और ये 28 इंच के हिसाब से मैं ले रही हूँ, और इसी को मैं आगे आपको बताऊँगी कि स्लीव्स की अगर छोटी हो तो उसको आप बड़े साइज़ के ब्लाउज में कैसे उसको आप अटैच कर सकते हैं, कितना बढ़ाएंगे, कहाँ से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करती हूँ कि इसको मार्किंग मैंने कर ली है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और ये तो आप सीधा सीधा पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए, मैं 28 चेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच की गोलाई दे रही हूँ, क्योंकि 28 चेस्ट है तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी स्लिप्स की गोलाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ उसमें 4.5, और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 इंच मैंने मार्जिन दे दी है। और यहाँ पर आर्म होल के लिए जो हमने लाइन दी है, जो मार्किंग की है, वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले एक लाइन खींच देती हूँ, सीधी लाइन। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है, ये हो गई है। और ऊपर से जो हमने 2 इंच पे दिया था, तो उससे हम शेप देने वाले हैं। तो यहाँ पे 3.5 हमने इसलिए इसकी लेंथ ली है क्योंकि 3 इंच की स्लिप्स रेडी होगी, 1/2 इंच सिलाई में जाने वाली है। तो हमने 2 इंच पर वहाँ ऊपर से मार्किंग कर ली, और यहाँ पर जो है ना, 1 इंच हम अंदर के, 1/2 इंच हम अंदर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। और 1/2 इंच अंदर की तरफ करके, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको। तो जो हमने 2 इंच पर मार्किंग की है ना, तो पहले सीधा हम वहाँ पर लाएंगे, और वहाँ से लाते हुए डाउन करेंगे, और इसको एक बोट शेप जो होती है ना, वो बोट शेप में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोट शेप में लेकर के आ गई हूँ, और जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग की थी उसमें मैंने यहाँ पर मिला दी है। तो ये जो स्लीव्स, जैसे बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे ना, सिंपल 3 इंच की स्लीव्स, 2.5 इंच की स्लीव्स बताइए, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी कॉमेंट पर मैं यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये बताया है आपको। तो छोटी स्लिप्स जो है ना, वो बहुत मतलब, जैसे आप बड़ी स्लिप 6 इंच 7 इंच करते हैं, वैसे ही आपको 3 इंच में भी करना है। और यहाँ पर आप 1/2 इंच की डिपनेस दे देंगे, जो आप फ्रंट में जो डिप करते हैं ना, आर्म होल को जो की गोलाई देते हैं, उसके बाद आप 1/2 इंच की डाउन कर लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, 3 इंच 2.5 इंच ऐसी स्लिप्स होती है ना, इसमें अगर आपने आर्म होल की गोलाई नहीं भी दी ना, तो भी चलेगा काम, लेकिन फिर भी आप दे दीजिएगा यहाँ पर। तो 1/2 इंच अंदर के, मतलब 1/2 इंच से भी कम आपको देना है, और दे करके आप उसकी गोलाई दे दीजिएगा। और यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर ले रहे हैं, तो ये हमारी छोटी स्लीव्स 28 इंच चेस्ट की स्लीव्स कटिंग हुई है। और यहाँ पर जो है ना, हमने जो आर्म होल के लिए जो मैंने डीप हाफ मतलब 1/2 इंच से भी थोड़ा कम लीजिएगा, और नहीं भी दिया तो भी चलेगा, मैं ये भी बोलूँगी, नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी दे दिया है तो उसको कट कर लीजिएगा। और करके हम हल्का सा कट करके, मतलब 1/2 इंच से भी कम आप वहाँ पर उसकी ये डिपनेस दीजिए, और उसके बाद आप उसको कट कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर जो है ना, ये 3 इंच इसकी लेंथ है। लेकिन अब जो आप, मैं यहाँ पे 32 इंच प्रिंसेस कट के लिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी, उसमें आप इसको अटैच कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसकी मार्जिन बढ़ानी है, जो हम मार्जिन लेते हैं ना अंदर की तरफ, उस मार्जिन को आप 1 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे स्लीव्स में, और आपकी जो है ना, ये जो ब्लाउज़ की कटिंग है ना, ये आप 30 इंच में ले जा सकते हैं। और ऑलमोस्ट चाहे तो आप इसको ये 32 इंच में भी जा कर के फिट बैठती है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, पहले हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग जो करनी है ना हमें, उसके 32 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। इससे बनाना, कटिंग करना बहुत ही आसान है, और एकदम आसान तरीके से मैं यहाँ पे बताऊँगी। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड में पेपर ले लिया है, एक न्यूज़पेपर, आप चाहें तो प्लेन पेपर ले लीजिए। और यहाँ पर हमने आप चाहें तो यहाँ पर जो ब्लाउज की जो लेंथ है, या तो वो 14 इंच रख सकते हैं, या फिर 14.5 आप रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 14.5 कर लिया है, क्योंकि 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए ले ली है। तो हम दोनों तरफ से यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेंगे,
उसके बाद हम इसकी सीधी लाइन खींच करके और इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन पहले दे देती हूँ और इसको हम कर लेंगे कट। नीचे का जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके हम हटा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे इसकी मार्किंग करना। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग मैंने बहुत सारे चेस्ट की बताई हुई है। आपने नहीं देखा है तो आप मेरे जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पहले शोल्डर, शोल्डर 5.5 इंच हम लेंगे। तो 5.5 इंच शोल्डर लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए आर्म होल, आर्म होल हम 6 इंच पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर चेस्ट के लिए। तो चेस्ट यहाँ पे 32 है तो इसका 8 इंच होगा 1/4। तो यहाँ पे हम 1/4 8 इंच पे ले लेते हैं, ठीक है। 8 इंच पे ले लिया मैंने, यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अभी हम यहाँ पे जो है ना, और इसके लिए है ना, ये 8 इंच पे ये हो गई है और 2 इंच हम क्या करेंगे, 8 इंच हुई, 2 इंच यहाँ पे जो हम ये इसकी जो अंदर से जो लूजिंग डालते हैं तो वो मैंने ले लिया है, मतलब एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं मार्जिन वो ले लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल जो है, तो आर्म होल में क्या करना है ना, आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ करके और एक लाइन खींच देनी है, क्रॉस लाइन, जिससे कि आर्म होल में, मैं हमेशा बताती हूँ कि आर्म होल में जो झोल आने की प्रॉब्लम है वहाँ से बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। अब इसी के साथ में यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये यहाँ पर ये लाइन को तो हमने क्रॉस में घिस दिया, तो लीजिए मैं इसे क्रॉस में अब घिस यहाँ गई पर हूँ, जो है ना ये जो दिख रहा मार्किंग होगा हो आपको। गई हुई है, तो इसको इस लाइन को अब हम छोड़ेंगे यहाँ पे और आ जाएंगे अब हम कमर की तरफ। तो कमर की तरफ आने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ मैंने क्या किया है कि 7 इंच पे मार्किंग कर दी है कमर की, और उसके बाद 2 इंच की हमने यहाँ पर दे दी है जो मार्जिन है वो, और मार्जिन ये 32 है। तो 32 में हमने यहाँ पे 1/4 ले लिया है, इसका 8 इंच लिया है, 2 इंच हमने मार्जिन ली है। वैसे ही यहाँ पर जो है ना, ये हम आ जाते हैं 28 इंच, इसकी कमर है तो 7 इंच हमने ले ली है और 7 इंच हो जाती है ये यहाँ पे, और 2 इंच हम यहाँ पे अंदर से मार्जिन ले लेंगे। तो जो भी कमर या चेस्ट, जो भी मतलब चेस्ट या वेस्ट जो भी होती है ना, उसका 1/4 हम लेते हैं चेस्ट के पास और कमर के पास कमर का लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम गोलाई देंगे यहाँ पे, तो गोलाई देने के लिए 1 इंच मैंने यहाँ पे और 1/4 इंच हम बढ़ा लेंगे बैक आर्म होल के लिए, 1/4 इंच, और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे लेकर के उसकी गोलाई देंगे। और इसे हम ला करके मार्जिन वाले एरिया में मिलाते हुए मतलब 1/2 इंच से भी कम हम ले लेंगे, नीचे की तरफ डाउन हो जाएंगे। तो आप देखते जाइएगा मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ। इसे लेकर के हम नीचे यहाँ पे मार्किंग हम कर रहे हैं, 1/2 इंच डाउन कर रहे हैं, जिससे कि जो आर्म होल के पास में पीछे की तरफ जो झोल आती है ना, वो झोल नहीं आएगी। और उसी के साथ में हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए भी दिया है ऐसे करके। तो ये थोड़ी सी इसे आप अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि आर्म होल को जितने अच्छे से आप इसकी गोलाई देंगे ना, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक ऐसे जुगाड़ लेकर के आपको दिखा रही हूँ कि अगर ऐसी आपके पास सीडी वगैरह हो ना तो उसको रखिए, वो बहुत अच्छी गोलाई देती है, आपके आर्म होल की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना आप अच्छे से एक गोलाई, एक शेप दे पाएंगे, और शेप सबसे मायने रखता है आर्म होल की फिटिंग में। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 इंच नेक के लिए, और लेकर के यहाँ पर इसकी हम एक मतलब बैक बैक पार्ट की जो हमें लेंथ लेनी है वो 9 इंच लेनी है, तो 9 इंच हमने ले ली है। और अब हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, और ऐसे करके ये ले लिया हमने, ये हो गई है। अब यहाँ पर हम जो है ना एक शेप देंगे यहाँ पे जो गले की है ना वो, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एक शेप दे देती हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, इवन डिजाइनर ब्लाउज भी आप बना सकते हैं, डिजाइनर जो नेक होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ में अब हम बैक टक्स के लिए जो यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं वो 4 इंच पे हमने किए इधर से, और 4 इंच हम इसकी लेंथ भी लेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच से 1/4 इंच जा सकती है। 1 इंच लीजिएगा, लेकिन किसी की कमर बहुत पतली होती है ना, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डांट को बढ़ा सकते हैं, उसको 1 इंच से 1/4 इंच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच है, 1/2 इंच दोनों तरफ है, तो ये जब टक्स लगेंगी तो ये 1 इंच की टक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये हो गई। चलिए पहले हम फटाफट इसे करते हैं कट। और अब यहाँ पर ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो कटिंग है ना, अब ये तो बैक पार्ट हमने कर लिया, अब इसी से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट को, और तब उसके बाद हमें उसे कट करना है प्रिंसेस कट में। एक बात और मैं बता दूँ कि ये बेल्ट वाली ब्लाउज है, तो इसको देखिएगा कि कैसे मैं इसको कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गई है। चलिए अब इसका बैक पार्ट को हटा लेते हैं और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई है, ये बैक पार्ट है, इसे हटा लेते हैं, और यहाँ पर अभी फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो बैक पार्ट का हमने पीछे का एक हिस्सा निकाला है उसे हटा देंगे, क्योंकि वो यूजलेस हो जाती है। हम जब प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं ना, तो इसमें हमें कपड़ा फ्रंट पार्ट के लिए ज़्यादा लगती है। तो मैंने एक प्लेन पेपर फिर से ले लिया है, मतलब एक न्यूज़पेपर, और उसके ऊपर मैंने डाल करके जो बैक पार्ट को रख के और हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से अब हम 1 इंच के यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है,
मतलब जितनी हमने बैक पार्ट है ना, उस बैक पार्ट को रख के और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, सीधी लाइन मैंने घिंच दी है। और यहाँ से भी एक लाइन मैं घिंच लेती हूँ कि ये इसकी हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे टक्स के लिए भी जो ये फिटिंग का एरिया जो है और जो मार्जिन का एरिया है वहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। मतलब ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे मार्जिन वाला एरिया आता है। हो गई है। अब यहाँ से इसे क्या करते हैं कि हम कट करके हटा लेते हैं, तो ये हट गई है। अब यहाँ से ये जो है ना, चलिए अब हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ क्या करते हैं, आर्महोल की जो गोलाई है उसको सही कर लेते हैं। तो ये हो गई है। तो क्या करते हैं कि पहले हम एक सीधी आर्महोल की सीधी लाइन ले ही लेते हैं और बॉक्स जैसा बना लेते हैं। जो 6 इंच हमने आर्महोल ली थी तो यहाँ ले लिया है हमने। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम सीधी लाइनिंग खींच लेते हैं और इसको ला करके यहाँ पे हम मिला देंगे। तो ये मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ना, ये हो गई है। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्महोल की जो गोलाई है ना वो दे लेंगे। बाद में आर्महोल कट करके फ्रंट आर्महोल की गोलाई को निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हो गई है फ्रंट आर्महोल की गोलाई। और यहाँ पर आपको ये चेस्ट जो है ना, इसका मार्किंग तो 8 इंच पे है। 8 इंच पे ला करके मैंने मार्किंग कर ली है। और वो जो फिटिंग वाला एरिया है ना, उसी एरिया में ला करके आर्महोल की लाइन को मिला देनी है। तो ये मैंने मिला दिया। और यहाँ से हम डाउन कर लेंगे, जैसे हमने डाउन किया था तो डाउन कर दिया यहाँ पे। हो गई है ये। और यहाँ पर हमने हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब यहाँ से 1.5 इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे। अब क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि हम जो टक्स लेते हैं ना, उस टक्स के लिए हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1.5 इंच, और उसकी हमने एक लाइन खींच ली है। तो ये हो गई है। अब हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मार्किंग कर ली है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक की जो विर्थ है, पहले उस विर्थ को ले लेते हैं। तो हमने वहाँ पे नेक की विर्थ को जो हमने लिया था वहाँ पे 2.5 इंच, वैसे 2.5 इंच लेकर के और 6 इंच पर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। और इसकी जो गले की जो नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच ले रहे हैं। वैसे मैं जनरली आपको बताती हूँ 1.5 5.5 इंच लीजिए, 5.5 इंच, लेकिन चाहे तो मैंने कितनी बार बताया कि 6 इंच भी आप ले सकते हैं। तो प्रिंसेस कट में थोड़ा सा आगे का जो नेक होता है थोड़ा डीप अच्छा लगता है, तो 6 इंच लीजिए। अब हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं। टक्स पॉइंट हमने 10 इंच पर लिया है। तो 10 इंच लेने के बाद अब नीचे में जो है ना वो आ जाती है, जो ऊपर से हम टक्स पॉइंट हमने ली है 10 इंच पर, ये हो गई। और उसके बाद 1 इंच और हम मैं नीचे आ जाती हूँ, 11 इंच पर मैंने ये ले लिया है। और यहाँ पर ये हो गई है। तो अब ऊपर मैं यहाँ पे पहले चेस्ट में ये बता देती हूँ, 32 इंच जैसे मैंने बताया है। तो 32 इंच का जो है ना हमें यहाँ पर लेना है। 32 इंच को हमें 10 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.2 इंच हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3.2 इंच अब हमें यहाँ से लेना है। तो जो कि प्रिंसेस कट के अब हम शेप देने जा रहे हैं। तो 3.2 इंच हमने ले लिया है। और अब हम सीधे एक लाइन खींच देते हैं। और फ्रेंड ये जो है ना 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो यहाँ पर हमने यहाँ कर दी है ये। और इसके बाद हम नीचे में 1.25 इंच की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे टक्स के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गई, जो कि हमने जो टक्स के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाया था वो यहीं पर हमें यूज़ करना है। तो ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। तो 1.25 इंच मतलब ये 2.5 इंच जो है ना, आप 3 इंच भी कर सकते हैं, आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे लिया है 1.25 इंच और 2.5 इंच किया है। आप चाहें तो इसको 3 इंच की टक्स भी ले सकते हैं अगर आपको लगे तो, लेकिन 2.5 इंच परफेक्ट होती है। और उसको आर्महोल से हमने मिला दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये सीढ़ी रख करके और इसको एक अच्छी सी गोलाई देंगे, जिससे कि ये जो कप के जो का जो शेप होता है ना वो एकदम बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ से आप ये सीढ़ी, अगर पुरानी सीढ़ी हो तो आप रख लीजिए, नहीं तो हाथों से भी गोलाई दे सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ पे मिला दिया है और ये हो गई है। अब क्या करना है ना हमें, यहाँ पर पहले हम कट कर लेते हैं ये जो हमने बढ़ाया है। ये यहाँ पे टक्स के लिए जो मैं बता रही थी आपको कि ये टक्स के लिए है। तो ये एक्स्ट्रा हमने यहाँ 1.25 इंच जो बढ़ाई थी इसको, और इसको चल के अब हम क्या करते हैं पहले कि कट कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो आर्महोल है ना, फ्रंट आर्महोल के लिए जो मार्किंग की थी वहीं पे हम कट कर लेंगे, क्योंकि अब हम यह जो कटिंग है ये फ्रंट आर्महोल के लिए है। और यहाँ से नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक जो है वो मैंने 6 इंच की लेंथ दी है। आप चाहे तो 5.5 इंच भी दे सकते हैं, बट प्रिंसेस कट में मैं फिर से कहूँगी कि 6 इंच जो लेंथ होती है ना वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने 6 इंच दिया है। और यहाँ से अब हम चल के कटिंग कर लेते हैं। प्रिंसेस कट के 2 पार्ट है यहाँ पर, तो इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ से इस शेप को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आप मार्किंग कर लीजिए
और यहाँ पे भी आप पेपर पे भी कट डाल कर डालिए, और आप जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इस टक से इस टक्स को मिलाना स्टिचिंग के समय ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे पेपर पे भी कट करके रख लीजिए, और यही चीज़ जब आप कपड़े पर जब आप मार्किंग करेंगे ना तो ड्राफ्टिंग, तो इसको आप टक्स पे वहाँ पे भी आपको कट डाल के रखना है, और स्टिचिंग के टाइम पर ये दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 32 चेस्ट के लिए ये कटिंग बताई है आपको। तो ये कटिंग होती है अब यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट हो गए हैं। काफ़ी इजी स्टेप में है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, बट अगर आप पूरी तरीके से इस फॉर्मूले को समझेंगे तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को यहीं पर करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपको प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज और मेरी स्लीव्स की कटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।